दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बात करते हैं रिलायंस पावर की, तो रिलायंस पावर आज भी आप लोअर सर्किट के साथ मार्केट खुला और मार्केट बंद भी हो गया लोअर सर्किट में ही। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग वॉल्यूम देख सकते हैं, इसमें ख़रीदारी की वॉल्यूम कितनी बढ़ रही है, ये सब कौन खरीद रहा है आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ये दूसरी दिन जो लोअर सर्किट लगा है, 56 का टारगेट था, लेकिन 53 के बाद लोअर सर्किट लगता गया। ये तीसरा बार लोअर सर्किट लग चुका है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कल बुधवार को जो लोअर सर्किट ना लगकर वो अपर सर्किट में बदल जाए। क्योंकि देख सकते हैं ये ख़रीदारी जो है, ये काफ़ी भर भर के ख़रीदारी हुआ, पूरा दिन ख़रीदारी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ, ये सब क्या, ये ख़रीदारी है। तो हाँ, हो सकता है कल से अपर सर्किट लग जाए। बाकी दोस्तों, ये रिलायंस पावर डेप्थ फ्री भी हो गया है, और इसकी सब्सिडरी जो कंपनी थी वो भी डेप्थ फ्री हो गया है। तो इससे आप अगर ये और भी गिरता है तो ये बहुत अच्छा मौका होगा ख़रीदने का। बाकी इसे आप लंबे समय तक होल्ड करें और इसे बेचने का हर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शेयर अच्छा है और इसका फंडामेंटल भी अच्छा ही है और धीरे धीरे सुधर ही रहा है। हो सकता है इसका जैसे Q2, Q3, Q4 ऐसा रिजल्ट आएगा तो इसका और भी अच्छा देखने को मिलेगा। और भूटान में रिलायंस पावर का इसको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी मिला है, करीबन 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी में। और तो मिलते हैं कल, आपको कल पता चल जाएगा कि लोअर सर्किट लगेगा या अपर सर्किट लगेगा। बाकी अगर नहीं आप लिए हैं, अगर लोअर लगता है तो फिर नहीं भी ले पाएंगे, और अपर में फिर आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना वॉल्यूम इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि सर्किट कल तो ज़रूर लगेगा, जिस तरह लोअर में लोअर ही चला गया, अब देखते कल क्या होता है। दोस्तों, इस शेयर में ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं अपने तरीके से इसमें एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको। बाकी इसमें कोई भी शेयर मतलब सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें आप अगर शेयर अगर खरीदी कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह बिल्डो आपको प्रत्येक शेयर में आपको मिलेगा। जो भी मैं बाय करता हूँ या सेल करता हूँ, आपको उसका भी गाइडेंस मैं दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ शेयर, वो भी आने वाले सीजन में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैं शेयर पिक करता हूँ अपने लिए।